नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में 52,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर पिछले 73 दिनों से लगातार धरने पर बैठी हैं। आपको बता दें कि आज फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय के बाहर खाली चम्मच बजाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जिला उपायुक्त ने उनके ज्ञापन को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर उन्होंने अपनी मांगों का हवाला देते हुए बताया कि उनकी मांगें पुरानी हैं। सन 2018 में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी वर्कर और कार्यकर्ताओं को जो दीपावली के मौके पर तोहफे के रूप में 750 और 1500 रुपए देने की घोषणा की थी, वो पूरी की जाए, उन्हें कुशल और अकुशल का दर्जा दिया जाए। जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को टर्मिनेट किया गया है उन्हें बहाल किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। ये ज्ञापन हम सरकार के पास भिजवाने, उसमें उचित कार्रवाई सरकार को, मेरे लेवल पे कोई डिसीजन नहीं होता, आप खुद करना भी मिले और मिले, ठीक है, वो भी देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मालवती है, मैं जिला सचिव हूँ। आज फिर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है आंगनबाड़ी वर्कर द्वारा, क्या कुछ खास रहने वाला, क्या कुछ मांगे हैं? फिर से नहीं है सर, ये हमारा लगातार 8 दिसंबर से चला आ रहा है, आज 73 दिन हमारे धरने को हो गए हैं और हमारी हड़ताल बराबर जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हमारी कोई नई मांग नहीं है, जो 2018 में CM और PM ने जो लागू घोषणा करी थी उसी को लागू करवाने के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नई हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी दो ही मांग है जो CM और PM ने घोषणा करी थी। किस तरीके का प्रोटेस्ट रहने वाला है आपका? आज हम थाली चम्मच लाए हैं जी, हम थाली चम्मच बजा के रैली निकालेंगे। कितने बजे रहने वाला है? क्या पूरे हरियाणा में ये इस तरीके? पूरे हरियाणा में जी, 52,000 वर्कर हैं हमारी जो हमारे प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो जिस तरीके से लगातार मंत्रियों से मिले थे तो क्या मतलब, कोई किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया जी हमारी, किसी ने कोई बात नहीं जी। कब तक जारी रहने वाला है आपको? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, चाहे हमें साल लग जाए। आपका? मेरा नाम अनीता चेची है, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। अनीता जी, किन मांगों को लेकर के प्रदर्शन आपका लगातार जारी है, क्या है? हमारी देखो फिलहाल नई मांग हमारी कोई नहीं है, जो हमारी 2018 में घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा, हमारी वही मांगे हैं। उसमें हमारी पहले एक मांग ये है कि हमको कुशल अकुशल का दर्जा दिया जाए और हमारा जो 1500 और 750 की जो PM मोदी ने घोषणा की थी दिवाली के तोहफे के रूप में, हमें वो दिया जाए। और हमारी जो अब बहनें टर्मिनेट की गई है उनको बहाल किया जाए। और हमारी जो ये 2-3 महीने से जब हमसे 8 दिसंबर से हम हड़ताल पे है, हमारी वो है सैलरी है वो हमारी वापस दी जाए, हमारी मुख्य ये मांग है फिलहाल। अभी लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितने दिन हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट को और आगे क्या नीति रहने वाली है? अभी हम 8 दिसंबर से इसमें लगातार लगे हुए हैं और अभी तो जब तक हमारी मांगे जब तक हम सरकार से संतुष्ट नहीं हो जाते, हमारी मांगे नहीं मान ली जाती है, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। आज किस तरीके का रहने वाला, क्योंकि बता रहे हैं आज हटके प्रदर्शन करने वाले हैं? आज हम थाली चम्मच लेके सारे शहर में अपनी रैली निकालने वाले हैं। सरकार शायद हमारी थाली चम्मच के वास्ते सुनकर सरकार हमारी कुछ जाग जाए, उनके कानों में पहुंचे। प्रदेश भर में या सिर्फ और सिर्फ जी नहीं, हरियाणा पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारी ये है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।